नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। कृषि कानून के मसले पर दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन को लगभग 50 दिन पूरे होने वाले हैं। केंद्र सरकार और किसानों के बीच लगातार नाकाम हो रही बातचीत के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कुछ किसान नेताओं पर सवाल खड़े किए हैं। यूपी गेट पर जारी आंदोलन में पहुंचे राकेश टिकैत ने अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा कि कुछ किसान नेता ऐसे हैं जो सरकार के साथ बातचीत को सफल नहीं होने देते। बैठक में अगर सभी सरकार की बात से सहमत भी हों तो दो तीन नेता उससे असहमति जता देते हैं। टिकैत ने कहा कि नेताओं को चिन्हित कर समझाया जाएगा या विचार विमर्श कर वार्ता कमेटी से बाहर किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि किसान विवाद नहीं समाधान चाहता है। यही वजह है कि अपनी मांगों को कई बार ठुकराने के बावजूद वो सरकार के बुलावे पर हर बार वार्ता के लिए पहुंच रहा है। सरकार से वार्ता के लिए 40 किसानों की कमेटी बनाई गई है। इनमें से कुछ लगातार समाधान के बीच रोड़ा बन रहे हैं। पता चलना चाहिए कि वो कौन लोग हैं। नरेश टिकैत ने आगे कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक सोमवार को होगी। ये कहां होगी इसका निर्णय जल्द लिया जाएगा। बैठक में यूपी गेट आंदोलन स्थल के अलावा सिंध बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर के आंदोलनरत किसान नेता भी शामिल रहेंगे। इसमें आंदोलन को लेकर तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ ही अगली रणनीति तय की जाएगी। बता दें कि किसान और सरकार के बीच 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इस मसले का अभी तक कोई हल नहीं निकला है। किसान अभी तक अपनी जगह पर डटे हैं। सरकार ने उनसे कई बार बातचीत की है, लेकिन कानूनों की वापसी को लेकर किसानों के कड़े रुख के चलते मसला हल नहीं हो पा रहा है। किसान ये भी चाहते हैं कि सरकार किसी भी तरह की खरीद में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की गारंटी दे। तो भाई, सरकार कानूनों में संशोधन करने को तो राजी है, लेकिन वापस लेने को तैयार नहीं है। किसान और सरकार के बीच अगले दौर की बैठक 15 जनवरी को होनी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।